लास्ट uh, क्लास में हम लोगों ने किया था ई आर डायग्राम से रिलेटेड थोड़ा बहुत कॉन्टेंट एंड सम स्टफ डेटा डेटाडेंसी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी और वी डेड बॉट है डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर कैसे करते हैं थोड़ा बहुत बहुत सारी चीज़ें देखी थी मेन जो चीज़ थी वो ई आर डायग्राम्स थी अब उसके बाद वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डी बी एम एस डी बी एम एस एज अ सॉफ्टवेयर क्या मतलब हुआ अब इस चीज़ को समझो ये है जी आप लोग का भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चलो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये आप लोगों को एक मैंने यहाँ पे जो पिक्चर डाली है थोड़ा बहुत रिलेट करने के लिए कि आप लोगों के जो ये टेबल्स हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखने की कोशिश करो यहाँ पे दीज आर बेसिकली योर टेबल्स विच आर लिंक्ड लिंक्ड बाय योर आई और उन सब चीज़ों के आप लोग की लिंक हुई भी होती है यू हैव योर आईडी एंड योर एट्रीब्यूट एवरी सिंगल थिंग एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे मौजूद है उसके बाद आप लोगों के पास यू हैव योर एंटिटी सब चीज़ें यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं यू हैव योर क्वेरी स्पेसेस उसके बाद यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं सही है जो हम लोगों ने चीज़ डिस्कस करनी है ना इस पूरे लेक्चर के अंदर वो है डेटा बेस टूल्स ये टूल्स क्या चीज़ होते हैं भाई वैसे कौन कौन से टूल्स हैं आप लोगों के पास जो कि एक डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं सही है अब इनको हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है अच्छा अब आप जब ना एक आ, टेबल्स क्रिएट करते हो तो आपको एक ऑप्शन देता है यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाओगे तो आप लोगों के पास रिलेशनशिप का भी ऑप्शन होता है तो हम टेबल्स को ड्रैग करके रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं वन टू मैनी मैन मैन टू वन और वन टू वन बाय यूजिंग योर प्राइमरी कीज़ कीज को इस्तेमाल करते हुए आप अपने रिलेशनशिप्स को भी क्रिएट कर सकते हो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करोगे राइट क्लिक करने के बाद ये बेसिकली सपोज टू स्पेसिफाई कि आई डी जो है ये आपकी प्राइमरी की है फिर दूसरे टेबल पे जाके बोलोगे कि भाई ये आपकी क्या है आप लोगों की फॉरेन की है फिर इसको अगर आपने रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करना है तो राइट क्लिक करके राइट क्लिक करने के बाद जब रिलेशनशिप क्रिएट करते हो ना तो वहाँ पे ऑप्शन आता है आप लोगों के पास कि भाई एक ऐसा क्वेरी बॉक्स आएगा पॉपअप बॉक्स वो कहकर यहाँ पे आपको लिखा हुआ इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स दिया हुआ यूर बेसिकली सपोज टू टेक दैट अगर आपको इन्फोर्स करनी है रेफरेंशियल हैिटी सही है? तो ये एक थोड़ी बहुत एग्जाम्पल चीजों को रिलेट करने के लिए ये आप लो की का एक है। हम लोगों है है लोग कौन -कौन लोग के पास दो टूल्स है जो कि हम लोगों ने डिस्कस करने और वो आप लोगों से पूछते हैं उनके बारे में अगर वो फिर बोल लो सवाल को पढ़ा करो पहले अगर वो बोले वॉट आर द डीबी टूल्स द डीबी टूल्स तो आर जस्ट सपोज टू राइट

टू क्रिएट यूजर फ्रेंडली फीचर्स एग्जाम्पल फॉर्म्स डिवेल्पर इंटरफेस क्या होता है इस पूरे इंटरफेस की बात हो रही है सही है ये आप लोगों को फ्रेंडली फीचर्स प्रोवाइड करता है फॉर एग्जाम्पल फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए ताकि आप डाटा इनपुट ले सको टू क्रिएट आउटपुट्स रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए और टू क्रिएट इंटरेक्टिव फीचर्स एग्जाम्पल्स बटन और मेन्यूज जब भी आप फॉर्म क्रिएट करते हो तो आपको जो डिवेलपर इंटरफेस है वो बेसिकली आप लोगों को जो टूल है डिवेलपर इंटरफेस का वो आपको मदद करता है इंटरेक्टिव फीचर्स बटन्स और मेन्यूज को फॉर एग्जांपल बटन्स और मेन्यूज को चूज करने के लिए सही तो ये पहला टूल था आप लोगों का विच इज योर डेवलपर इंटरफेस

एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है सही है टू क्रिएट एसक्यूएल क्वेरीज टू सर्च फॉर डेटा दैट मीट्स सेट क्राइटेरिया एग्जाम्पल ऑल बुकिंग्स फॉर नेक्स्ट वीक अगर मुझे ये क्राइटेरिया चूज़ करना है और डेटा को सर्च करना है तो मैं क्वेरी प्रोसेसर को इस्तेमाल कर सकता हूँ टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड डेटा मतलब जो डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है अब उसको एक्सट्रैक्टेड डेटा को पर मैं कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज करो कि कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट किया अब मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए तो मैं उनको ऐड कर सकता हूँ तो ये सब चीजें कहाँ पे हो रही, हो रही होंगी क्वेरी प्रोसेसर के अंदर रिजल्ट बी डिस्प्लेड जो भी रिजल्ट आएंगे उनको ऑर्गेनाइज करता है ठीक है जी ये दो आप लोगों के टूल्स थे इसके बाद आप लोगों से सवाल करता है कि ये डेटा डिक्शनरी क्या चीज होती है लेट्स सी दैट एज वेल ओके जी DBMS has a data dictionary. Describe what data dictionary stores. Data dictionary क्या चीजें store करती है? It stores all the information about the database. जो भी database से related information है ना, वो सारी चीजें मतलब metadata, जो data about data होता है ना, वो basically सारी चीजें store करी होती हैं. For example metadata क्या हो सकता है? File name, your database का नाम, fields के नाम, attributes के नाम

सही है किस चीज के बारे में बात हो रही है टूल के बारे में बात करिए बात हो रही है यहाँ पे इंटरफेस जो है डीबीएमएस का वो कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करता है इट बेसिकली क्रिएट्स अ टेबल एक टेबल क्रिएट कर सकता है सेटअप रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स हम रिलेशनशिप बना सकते हैं हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं हम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं वी कैन ईधर वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ क्वेरी क्वेरी को भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं सही है तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग एक डी बी एम एस डेवलप इंटरफेस जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है इसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें टास्क परफॉर्म कर सकते हैं आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप बना सकते हैं फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट और क्वेरी को क्रिएट कर सकते हो क्वेरीज पे हुई या पे क्रिएट हुई है अगर डायग्राम पे देखो तो ये सारी क्वेरीज है लिख लो अपने पास। एक और सवाल देखते हैं डीबीएमएस से रिलेटेड एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन सही है जी एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डी से रिलेटेड एंड नॉर्मलाइजेशन की तरफ आते हैं ओके okay जी अब सवाल कर रहे हैं आप लोगों से हाउ डी बी एम एस सॉफ्टवेयर इज यूज टू इंश्योर दिक्योरिटी ऑफ द डाटा डेटा की जो सिक्योरिटी है वो डीबीएमएस कैसे इंश्योर करता है इसका जो एक्सप्लेनेशन uh, थी वो हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर देखा था जब हम फाइल बेस्ड और रिलेशनल डेटाबेस को कंपेयर कर रहे थे वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था सही है वही सेम चीजें यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब भी करना है सही है सबसे पहली चीज आपने उसको एक तरीके से स्टेट किया फिर उसको एक्सप्लेनेशन दी फिर स्टेट किया फिर इंफॉर्मेशन दी ऐसे करके आपने अपना आंसर को फॉर्म करना होगा इश्यू यूजर नेम एंड पासवर्ड्स आप डेटाबेस के अंदर रिलेशन डेटाबेस के अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड्स

रीड कर सके सो दैट ओनली सर्टेन यूजर नेम्स कैन रीड सर्टेन पार्ट ऑफ द डाटा सही है जैसे मैंने आप लोगों को अगर याद हो फाइनेंस का और उसकी एग्जाम्पल दी थी जॉब्स की कि एक टेबल थी जॉब्स से रिलेटेड एक टेबल थी फाइनेंस से रिलेटेड मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो फाइनेंस की टेबल देखें वो सिर्फ और सिर्फ जॉब्स की टेबल देख सकते हैं सही है तो मैंने फाइल नेम की जो एक्सरसाइज राइट थे वो ले लिया था मैंने आप लोगों को यहाँ पे ड्राइव की एग्जाम्पल दी थी सही है कैन बी रीड ओनली और फुल एक्सेस अब यहाँ पे मैं दो ऑप्शन दे सकता हूँ उन लोगों को ऑप्शन जैसे आप लोग की गूगल ड्राइव की लिंक्स होती हैं वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट है कि आप एडिटर का ऑप्शन दे दो व्यूअर का ऑप्शन दे दो आई गेस यहाँ पे भी ऑप्शन होना चाहिए वन नोट के अंदर भी ऑप्शन है यहाँ पे ना कि आप किसी को भी एक्सेस दे रहे हो तो आप एडिटर का ऑप्शन दे सकते हो आप वीर का ऑप्शन दे सकते हो आप ओनरशिप भी ट्रांसफर कर सकते हो तो ये सारी चीजें वही सेम कॉन्सेप्ट डेटाबेस के अंदर भी होता है

आपउडोर करना चाह रहे हो सकते हो आप ऑफ साइड करना चाह रहे हो यू कैन डू दैर वेल और कब आपने बैकअप लेना है वो सब चीजें आपने लाइफीबल एग्जाम्पल बैकअप एट दिच डे ऑफ साइड ऑन साइड वो सब चीजें

पढ़ सकते हो समझ नहीं सकते सही है इफ देर इज अनऑथोराइज डाटा इट कैन नॉट बी बीटोड आप पढ़ सकते हो डाटा समझ आ रहा है आप ये चीज देख पा रहे हो एच ए टी ए मैंने लिखा है पे आप उसको पढ़ पा रहे हो पता नहीं क्या पढ़ोगे इसको पढ़ने के बाद आपको समझ नहीं आ रही सही है तो वही सेम सिनेरियो आप डाटा को देख पा रहे हो लेकिन पढ़ नहीं पाते है. अब जो भी एग्जांपल हो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर प्राइमरी की नहीं है देन द द पर्सन कैन नॉट रीड डाटा जो भी लंबी करनी है यहाँ पे कर सकते हो सही जी तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट था आप लोगों का डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर फर्स्ट एनएफ और योर मतलब नॉर्मलाइजेशन के जो मेथड्स हैं सही है बस आप लोगों को ये लास्ट एक चीज है डेटाबेस के अंदर जल्दी से खत्म करते हैं इसको चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा आपका गल्ला बैठ गया पढ़ाते पढ़ाते normalization ऊपर मैंने आप लोगों से कहा था कि उसको भी फिलहाल हम लोग इस पॉइंट को ऊपर डिटेल में बात करेंगे आगे जाके उसको मैंने आप लोगों को स्किप करवाया था तो वहां से इसको रिलेट कर लेना सही है नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन क्या था ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दी थी इज अ मेथड टू रिमूव और रिड्यूस द रिपिटेशन ऑफ डाटा सही है डाटा रिडंडेंसी को कम करने की टेक्निक्स है डाटा रिडंडेंसी को कम करने की या खत्म करने का मेथड या टेक्निक्स है कुछ आप ऐसी टेक्निक्स अप्लाई करते हो कुछ मेथड्स अप्लाई करते हो जिनसे आप लोग डेटा रिडेंडेंसी जो है और रेपुटेशन ऑफ द डाटा है उसको आप लोग हटा देते हो सही है अब इसके अंदर आप लोगों के सिलेबस के अंदर यू हैव थ्री स्टेजेस और भी होती है फोर एन एफ बी है फाइव एन एफ बी है एक और होती है बी सी एन एफ ऐसे का नाम था नॉट श्योर अबाउट दैट लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अंदर यू जस्ट हैव three stages of database normalization. Three stages कौन कौन सी है, है, है आप लोग Let's discuss the first NF. अच्छा NF का मतलब क्या होता है First normal form. सही so, है पहला स्टेप आता करके हम लोग इसको normalize करते हैं चलो जी फर्स्ट एन एफ है आप लोग के सिलेबस में यू हैव योर सेकेंड एन एफ यू हैव योर थर्ड एन एफ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट्स फर्स्ट एन एफ फर्स्ट एन एफ पर्स एन एफ कुछ रूल्स हैं कि भाई कोई भी रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं होना चाहिए नो रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट मतलब जो मैंने ऊपर आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि भाई जो स्टूडेंट और टीचर्स था कि एक स्टूडेंट के बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं तो आ, एक तरीके से जो टीचर्स के नाम थे वो रिपीट हो जा रहे थे बार बार ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर जो हम लोगों ने दो टेबल्स अलग अलग की थी इंडिविजुअल टेबल्स बनाई थी तो उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट को अगर इसको थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश करो तो कोई भी रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसकी अलग अलग टेबल्स बना लें और उनको प्राइमरी की और फॉरन की के थ्रू लिंक करवा लें सही है ऑल एट्रीब्यूट शुड बी अटोमिक इस चीज के बारे में बात करते हैं अटोमिक का क्या मतलब है भाई अटोमिक का मतलब ये है कि आप उसको फर्दर डम्पोज नहीं कर सकते उसके मीनिंग को क्या मतलब हुआ इसका कि स्टूडेंट की अगर हम बात करें अगर मैं टेबल में एक एट्रीब्यूट चूज करूँ स्टूडेंट तो ये और फर्दर चीज़ों में डिकम्पोज किया जा सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट नेम स्टूडेंट फर्स्ट नेम स्टूडेंट लास्ट नेम और स्टूडेंट कोर्स तो ये फर्दर डिवाइड हो पा रहा है लेकिन अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट आई डी तो स्टूडेंट आई डी एज अटोमिक क्या मतलब हुआ स्टूडेंट आई डी का मैं और सब डिकम्पोज नहीं कर सकता और इसको डिकम्पोज करना पॉसिबल नहीं है तो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं आपके वो सब अटोमिक होने चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर एट्रीब्यूट लिखा हुआ है स्टूडेंट तो वो मेरा फर्स्ट एनएफ के अंदर टेबल नहीं होगी उसको फर्स्ट एनएफ में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे टेबल के एट्रीब्यूट्स बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट अच्छा अब अगर मैं स्टूडेंट नेम भी इस्तेमाल करता हूँ स्टूडेंट नेम कैन ऑल्सो भी फर्दर डिवाइडेड इन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम सही है तो फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो उसको हम और फर्दर डम्पोज नहीं कर सकते जेंडर हो गया जेंडर को आप मेल फीमेल और फर्दर डम्पोज नहीं कर सकते सही है तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि ऑल एट्रीब्यूट शुड बी अटोमिक एंड नो डुप्लीकेट रोज नो डुप्लीकेट रोज का भी आप लोगों को समझा चुका कि अगर फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन के वक्त एक दफा डाटा आपने इनपुट कर दिया वही सेम डाटा आपने फिर से इनपुट कर दिया दैट कि अब आप आप की जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड है मतलब का डुप्लीकेट हो चुका है अगर ऐसा कोई भी टेबल हो आप लोगों के पास जिसमें आप लोग का डाटा डुप्लीकेट हो जाए तो आप लोगों के पास आप उसको कहोगे कि भाई ये फर्स्ट एन एफ में मौजूद नहीं है टेबल ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है सही है तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए अगर वो आप लोगों से बोले कि भाई वाई दिस पर्टिकुलर टेबल इज नॉर्मलाइज देन यू आर सपोज टू राइट कि भाई इसमें कोई भी रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट नहीं है सारे एट्रीब्यूट जो है वो ऑटोमिक है और कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं है तो दैट्स द रीजन दिस पर्टिकुलर टेबल इज एन एफ तो ये अब बात करते हैं जी सेकेंड एन एफ में यूर सेकेंड स्टेज ऑफ बेस नॉर्मलाइजेशन और इसको जरा डिटेल में समझेंगे अच्छा जी हैव अ लुक इनटू सेकंड एनएफ चलो भाई सेकेंड एन एफ क्या चीज होती है सेकेंड एन एफ का एक टेबल को सेकेंड एन एफ होने के लिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए उसका जरूरी है कि वो इट शुड बी एंड

लेकिन यहाँ पे इश्यू आ रहा है भाई ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है अब पार्शियल डिपेंडेंसी को समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड डिपेंडेंसी पार्शियल जब ही जाके समझ समझ आएगा जब समझ आएगा जब डिपेंडेंसी सही है तो पहले डिपेंडेंसी को समझते हैं तो अगर हम बात करें इस टेबल के बारे में दोनों को इग्नोर कर दो बाकी जो दो टेबल्स हैं उनका भी फिलहाल हम इग्नोर करते हैं वी वी जस्ट जस्ट आर गोइंग टू लुक स्टूडेंट टेबल सही है तो डिपेंडेंसी को हम लोग समझना चाह रहे हैं कि जो नेम है और ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मुझे याद आ रहा है कि डिपेंडेंट जो डाटा होता है उसके बारे में हमने बात की थी फॉर एग्जाम्पल नेम रजिस्ट्रेशन नंबर ब्रांच एड्रेस दे ऑल डिपेंड टू वन पर्टिकुलर प्राइम एट्रीब्यूट इसको कहते हैं प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा होता है वो एट्रीब्यूट जो कि एज अ प्राइम प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल होता है उससे हम कहते हैं प्राइम एट्रीब्यूट तो ऑल दिस एट्रीब्यूट आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर स्टूडेंट आई डी सही है। तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या चीज होती है इसके बारे में बात करते लेट्स लुक इनटू टू अवर टेबल अब देखो यहाँ पे हमारे पास तीन टेबल्स मौजूद है हमारे पास स्टूडेंट टेबल है We have और यहाँ पे एक स्कोर टेबल बनी हुई है ये तीन टेबल्स हमारे पास मौजूद है अब यहाँ पे स्टूडेंट टेबल की अगर प्राइमरी की देखो वी हैव अ प्राइमरी की विद द नेम स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट टेबल की अगर प्राइमरी की देखो तो वी हैव अ प्राइमरी की एज योर सब्जेक्ट आई डी सही है स्कोर टेबल को अगर देखो तो स्कोर टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी को एज अ कॉम्पोजिट प्राइमरी की हमने कंसिडर किया हुआ है मतलब दोनों वैल्यूज को प्राइमरी की कंसिडर किया हुआ है क्योंकि स्टूडेंट आईडी सिर्फ आप लोगों की चीजें जो है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगी सब्जेक्ट आईडी जो है वो सिर्फ यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगी तो वी बेसिकली यूज बोथ ऑफ प्राइमरी सही है अब जरा गौर से देखो स्कोर के स्कोर uh, टेबल के अंदर नेम जो है ऊपर वाली टेबल में देखो नेम जो है वो स्टूडेंट आई uh, जो है नेम जो है वो बेसिकली डिपेंडेंट है स्टूडेंट आई के ऊपर सही है जो भी स्टूडेंट आई होगी उसके मुताबिक नाम होगा रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ब्रांच जो है वो भी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है फॉर एग्जाम्पल हर एक स्टूडेंट की अलग ब्रांच होगी सही है एड्रेस जो है वो भी स्टूडेंट आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो so, यहाँ पे कोई भी पार्शल डिपेंडेंसी नहीं है कंप्लीट डिपेंडेंसी है जिसे कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी अब यहाँ पे अगर हम बात करें एक ऐसा एट्रीब्यूट देखो स्कोर आईडी जो है वो आपका दोनों पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट आईडी पे भी सब्जेक्ट आईडी पे भी मार्क्स जो होते हैं वो भी दोनों पे डिपेंड कर रहे होते हैं लेकिन एक टीचर जो है ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन योर स्टूडेंट आई सही है टीचर का जो एट्रीब्यूट है टीचर इज़ ऑनली डिपेंडेंट ऑन योर सब्जेक्ट मतलब जिस सब्जेक्ट का टीचर होगा उसी के बारे में बात हो रही होगी ना फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री का टीचर है हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री का टीचर है लोगों का वो स्टूडेंट पर डिपेंड नहीं करता वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है सही है तो इसका मतलब क्या हुआ एक पार्शल डिपेंडेंसी को समझना एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि आप लोगों की प्राइमरी की जो कि कॉम्पोजिट है दोनों कीज है सही है उस पर पार्शल डिपेंड कर रहा है मतलब एक की के ऊपर डिपेंड कर रहा है दूसरे की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा इसे कहते हैं पार्शल डिपेंडेंसी फिर से समझो इस चीज को टीचर का जो एट्रीब्यूट था वो सिर्फ सब्जेक्ट आईडी पर डिपेंड कर रहा था इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर स्टूडेंट आईडी इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ पार्शियली आपकी प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्राइमरी की हाफ प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहा है इसका सोल्यूशन क्या है वी कैन टेक टीचर्स टू अ सब्जेक्ट टेबल हम सब्जेक्ट टेबल के अंदर इसको मूव कर सकते हैं तो आप लोग की स्कोर टेबल जो है वो भी आप लोगों की सेकेंड एंड के अंदर आ जाएगी सही है तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है आपको कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि सिर्फ एक प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंड कर रहा होता है सही? अब बात करते हैं लेट्स मूव ऑन योर एन एफ। खुदा चलो भाई लेट मी जस्ट कॉपी द डाटा ओके okay, जी थ्री एन एफ थ्री एन एफ का वही सेम रूल्स है जो कि सेकेंड एन एफ में थे विच वॉज इट शुड बी इन फर्स्ट एन एफ एंड सेकेंड एन एफ मतलब फर्स्ट एन एफ में भी होनी चाहिए सेकेंड एन एफ में भी होनी चाहिए उसके बाद एक ये स्टेप है ये दोनों सेम चीज है नॉन की बोलो या नो ट्रांजेटिव बोलो एक ही बात होती है सही है दे बोथ आर द सेम थिंग तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि आप लोगों को थ्री एन एफ में आपकी टेबल को ले जाता है अब ये क्या चीज है भाई नॉन की डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इस चीज को समझने के लिए लेट्स हैव अ लुक इनटू आवर पाथपेपर पाथपेपर के अंदर देखते हैं और उससे समझते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है अभी तक हम लोगों ने दो डिपेंडेंसीस पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है और हर एक एलिमेंट उस पर डिपेंड कर रहा होता है इसे कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी और यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट था जो कि सिर्फ एक आईडी पे एक हाफ प्राइमरी की पे पार्शियली डिपेंड कर रहा था सही है तो दिस वाज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी अब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ऊपर देख लो यहाँ पे कि एक फॉर एग्जाम्पल इसको अपनी टीचर काट देते हैं एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि ना तो सब्जेक्ट आईडी डी पर डिपेंड कर रहा है ना तो स्टूडेंट आईडी डी पर डिपेंड कर रहा है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स ऐसी किसी और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है गौर से सुनना तो इसको कहते हैं नॉन इसको कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नॉन की डिपेंडेंसी मतलब आपकी प्राइमरी की पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो अब वो डिपेंड कर रहा है आप लोगों की मार्क्स के ऊपर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की नहीं है उस पर डिपेंड कर रहा होता है नहीं क्लियर कोई मसला नहीं यहां से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को सही है तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है सोफ्टवेयर एंड लाइसेंस परचेस्ड ठीक है हमारे पास दो टेबल्स है उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एटीट्यूट मौजूद है और यहां पे वही सेम कॉन्सेप्ट कॉम्पोजिट आपकी जो प्राइमरी की है वो इस्तेमाल हो रही है अब आप लोगों से कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई दिस डेटाबेस इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये डेटाबेस थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है सही है अब इसको देखते हैं सबसे पहला पॉइंट टू एन एफ के बारे में बात करो सिर्फ पॉज करो वीडियो को यहाँ पे पॉज करने के बाद तुम लोगों ने करना क्या है सिर्फ सोचो कि ये सेकेंड एन एफ कैसे होगा मतलब ये सेकेंड एन एफ क्यों नहीं है कस्टमर डिटेल के अंदर कोई इशू नहीं है क्यों क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी है कोई इशू नहीं आ रहा कंपनी नेम भी कस्टमर आई डी पर डिपेंड करती है एड्रेस सिटी भी कस्टमर आई डी पर डिपेंड करेगा तो इसके अंदर तो कोई इशू आ ही नहीं रहा इशू कहाँ पर आ रहा है भाई यहां पर आ रहा है हम लोग को अब जरा गौर से देखो अब यहाँ पे सोचो कि टू एन एफ क्यों नहीं है सॉफ्टवेयर टेबल सही है देखो एक इसके अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट है सॉफ्टवेयर की टेबल के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये वाला सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कस्टमर कस्टमर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिप्शन कस्टमर जो भी हो कुछ कोई भी बंदा हो वो सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन किस पर डिपेंड करेगी आपका जो सॉफ्टवेयर का नाम है उसके ऊपर डिपेंड करेगी सही है इसका मतलब कौन सी डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी तो अब इसको जरा लिख लेते हैं कि भाई पार्शियल डिपेंडेंसी है आप लोगों की टेबल में तो दैट्स द रीजन इट्स नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म मतलब जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो दैट मीनस कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ ही नहीं सकता अब इसके अंदर एक और इश्यू है यहाँ पे देख लो उसके पहले देर आर पार्शल डिपेंडेंसीज इन द सॉफ्टवेयर टेबल सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन ओनली डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर नेम जो सॉफ्टवेयर का नाम होगा उसी के मुताबिक उसकी डिस्क्रिप्शन होगी एंड नॉट ऑन सही है अब बात करते हैं नॉन की डिपेंडेंसी या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कोई ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल ही डिपेंडेंट ना हो सॉफ्टवेयर नेम पे या कस्टमर आईडी पे सोचो ऐसा कोई एट्रीब्यूट है यहाँ पे गौर से सोचो कि ऐसा कोई एट्रीब्यूट आपके टेबल में मौजूद है सॉफ्टवेयर परचेस टेबल में जो कि ना तो सॉफ्टवेयर नेम पर डिपेंड करता है ना तो कस्टमर आईडी डी पर डिपेंड करता है बट किसी और एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है अब अगर यहाँ पे गौर से देखो लाइसेंस कॉस्ट को लाइसेंस कॉस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन योर सॉफ्टवेयर नेम सॉफ्टवेयर का नाम जो भी हो उससे आपकी कॉस्ट पता नहीं चलती सही है लाइसेंस कॉस्ट कस्टमर जो भी हो आपको लाइसेंस की कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन लाइसेंस कॉस्ट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर लाइसेंस टाइप आपकी जो लाइसेंस की टाइप है उसके मुताबिक आपकी कॉस्ट आएगी सही है तो यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंसी आ गई दिस इज योर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी सही है या नॉन की डिपेंडेंसी बोल लो कि भाई आप लोगों का जो लाइसेंस कॉस्ट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन नीदर सॉफ्टवेयर नेम नॉर कस्टमर आई दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा इट डिपेंड्स ऑन स टाइप इसको लिख लो देर इज अ डिपेंडेंसी इन द सॉफ्टवेयर लाइसेंस ऑन लाइसेंस नॉट डिपेंड ऑन प्राइमरी प्राइमरी कीज पर डिपेंड नहीं करता है तो ये आप लोग के पासवे के क्वेश्चन थे विच विलेटेड टू योर नॉर्मलाइजेशन बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड टाटा बाय बाय तो, कोई भी चीज क्लियर नहीं हो डू आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन या तो आप व्हाट्सएप कर करो आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सोन पॉसिबल बस लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डेटाबेस इट इज नॉट रिलेटेड टू नॉर्मलाइजेशन एट ऑल अलग से क्वेश्चन है नेम एंड डिस्क्राइब लेवल ऑफ लेवल्स ऑफ स्कीमा इन ऑफ डेटाबेस

जो यूजर जो है जो अलग से जो बंदा है उसको बेसिकली जो उसका व्यू है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल स्कीमा सही है अब ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या होता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा डिस्क्राइब्स द व्यू विच यूजर ऑफ द डेटाबेस माइट हैव अब तुम लोगों को जो व्यू है उसको कहेंगे एक्सटर्नल स्कीमा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या कहेंगे जो मेरा व्यू है जो मेरे पास डाटा आ चुका है एक्सेल फाइल के अंदर वो मेरा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है सही डिस्क्राइब्स द व्यूज दूस यूजर ऑफ द डेटाबेस जो यूजर है डेटाबेस का उसका जो व्यू है कौन सा व्यू होगा मेरा मैं दिखा देता हूँ कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मेरा ये व्यू होगा मेरे पास डाटा ऐसे आ रहा होता है कि भाई आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है अक्टूबर नवंबर सेशन मे जून सेशन नाम क्या है नंबर क्या है ई क्या है वो सब चीजें मेरे पास ऐसे आ रहा होता है इससे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा देन यू हैव योर थर्ड स्कीमा थर्ड लेवल ऑफ स्कीमा विच इज योर लॉजिकल स्कीमा देख लेते हैं इसको यहाँ पे logical schema. Logical schema क्या होता है डेटाबेस मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने टेबल्स तो देख ली थी कहाँ पे अभी मैं वापस से पहले जाता हूँ यहाँ पे ये यह सब टेबल्स देख ली थी अब इनके दरमियान आप लोगों को रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है वो रिलेशनशिप का एक अलग आप लोगों का टैब है जिसमें आप लोग अपनी फाइल्स को ड्रैग करते हो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग अगर मुझे कोई चीज मिल जाती है एक मिनट लेट मी सी चलो भाई अब हम दिखा रहा था मैं तुम लोगों को दिखा रहा था रिलेशनशिप राइट right? अब मैं यहाँ पे एक दफा नीचे अपलोड कर देता हूँ एक और पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देते हैं चलो ये देखो तो ये एक आप लोगों का रिलेशनशिप का टैब है जो कि आप लोगों का लॉजिकल स्कीमा है इसके अंदर क्या होता है अब आप लोग अपनी टेबल्स को लिंक करवाते हो लेट मी ट्राई टू इंक्रीज द साइज ये सब टेबल्स हैं आप लोगों की अब इस टेबल के अंदर आप लोगों के पास क्या क्या चीजें ये आप लोगों की टेबल है राइट साइड पे देखो ये टेबल है ये टेबल है ये टेबल है इनके अंदर अगर रिलेशनशिप देखो तो ये आपके वन टू वन रिलेशनशिप्स अगर यहाँ पे इन्फिनिटी का आ जाता है तो दैट टू का रिलेशनशिप है यहाँ पे आप लोगों को जो की बनी हुई है ये शो करिए कि ये आप लोगों की प्राइमरी कीज बनी हुई है लेकिन अभी ये कहीं और इस्तेमाल नहीं हो रही दैट मीनस कि अभी इन लोगों का कोई आप लोगों का फॉरन कीज के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही अभी सब हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया है यहाँ पे आप लोगों के फॉर्म्स भी हैं रिपोर्ट्स सब चीज़ें टेबल्स आप देख सकते हो क्वेरीज देख सकते हो सब चीजें आप लोग के यहाँ पे मौजूद होती है इसको यहीं पे रखते हैं फिलहाल सही है लॉजिकल स्कीमा क्या होता है डिस्क्राइब्स विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा योर लॉजिकल स्ट्रक्चर अब ये फिजिकल या इंटरनल स्कीमा क्या है आप लोगों का जो भी डाटा है वो किसी पर्टिकुलर ड्राइव पे फिजिकल मीडिया पे स्टोर हो रहा है वो कैसे स्टोर होता है वो आप लोगों का फिजिकल इंटरनल स्कीमा कहलाता है

डेटाबेस के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ नोट्स भी मिल जाएंगे टॉपिकल पासवर्ड्स भी, भी मिल जाएंगे सब चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी चलो भाई बाजरत इतना लेट हो गया भाई सही है okay जी अल्लाह हाफिज़ ओके जी गुड लक फॉर योर एग्जाम्स